और उधर रोहतक की एमडीयू यूनिवर्सिटी में परीक्षा के दौरान गलत पेपर दिए जाने का मामला लगातार सुर्खियों में है। इसे लेकर छात्रों के विरोध का भी अब प्रशासन को सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में रोहतक में छात्रों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर रोड जाम कर छात्रों ने नाराजगी जाहिर की है। जाट कॉलेज के सामने रोड जाम और एमडीयू गेट दो पर इस दौरान छात्रों ने ताला जड़ दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। एमडीयू के तहत बीए के 6 सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा बीए की हिंदी परीक्षा में सिलेबस से बाहर प्रश्न पत्र दिए जाने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। छात्रों ने इस दौरान इसे लेकर धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और एमडीयू ने भी गलती मानकर इस पेपर को अब पोस्टपोन कर दिया है। गलती से एक जो ऑनर्स का पेपर था वो आ गया, उस पर मिसप्रिंट था बीए पास का। अब वो यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन कर दिया है, नेक्स्ट डेट जब भी देंगे तब दोबारा से बच्चे को इंटीमेट कर दिया जाएगा और पेपर इसलिए पोस्टपोन कर दिया। पूरे एमडीयू का ही किया है। तो बच्चों को आने के बाद पता चला होगा? बच्चों को नहीं, हमें ही पेपर खोलने के बाद पता चला है। जब पेपर ओपन किया गया तो उस पेपर में जो पेपर चाहिए था बीए पास कोर्स का, जो 80 नंबर का आता है, उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन थे। और बाद में एक्सपर्ट्स ने बताया कि वो बीए ऑनर्स का पेपर था जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, वो गलती से आ गया हमारे पास, तो इसलिए अब पोस्टपोन कर दिया गया है पूरी एमडी यूनिवर्सिटी का पेपर हिंदी का। अब जब भी अगली डेट आएगी तो बच्चे को इंटीमेट कर देंगे हम। अगली खबर का रुख करेंगे, हिसार से खबर है। हिसार की सीआईए पुलिस ने नकली नोट मार्केट में चलाने आए एक युवक को 2,56,000 रुपए की नकली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर प्रहलाद राय ने इस बारे में बताया कि सीआईए पुलिस को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से एक संदिग्ध युवक हिसार की राजगुरु मार्केट और नागौरी गेट के आसपास नकली नोट चलाने के चक्कर में है। सीआईए पुलिस ने राजगुरु मार्केट से युवक को 500 और 200 रुपए के नकली नोटों के साथ काबू किया है और अब कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है। हमने एक टीम बनाई और हमारे अधिकारीगण एसपी साहब को भी उनके अभी संज्ञान में हम लेके आए तो उनके आदेश दिया कि निकलना नहीं चाहिए, इसको काबू करो। तो नागौरी गेट में ये वहाँ मिला तो मुखबर ने इशारा कर दिया भाई ये बंदा है, उसको जाके काबू किया। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, कुछ और खबरें ब्रेक के बाद, आप बने रहिए पीटीसी।